अभी तो बची आपकी मोबाइल मम्मी लाल, बहुत ज्यादा बच गई। नहीं अभी चाय में गिर जाती मोबाइल, खत्म हो जाता काम, फिनिश, टाटा बाय बाय, गुड बाय, टाटा फिनिश बाय बाय हो जाता मेरा। तब बच्चा है तो चाय गिर गई थोड़ी सी, बट इसको बचा दिया, पता नहीं कैसे हाथ से स्लिप हो गई। सुबह के बज रहे हैं 10:30। लाल जो कि आज उठे हैं 10 बजे, वो भी बहुत ज्यादा जगाने पे, क्योंकि कल हम बाहर गए थे और वहां ये मतलब 2-3 घंटे तक चलने की वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे, तो अभी ये सोके उठे हैं ना। चीकू थक गए थे अब बहुत ज्यादा, मैं इधर उधर चलता गया। बस थक गए। हाँ, पैर में भी दर्द होने लगा, उंगली में भी दर्द होने लगा, अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ तो देखिए, मैंने अभी बिस्तर वगैरह भी नहीं ठीक किया, क्योंकि चीकू लाल अभी उठे तो उन्हें पहले ब्रश कराया, फिर ये दूध वगैरह दिया, बिस्किट खा चुके हैं, दूध पी रहे हैं, तो अभी मेरे को बिस्तर वगैरह भी ठीक करना है, चादर भी चेंज करनी है आज। क्या? ये बेडशीट, ये बेडशीट चेंज करनी है। क्यों? एंड रजाई पे चढ़ाना है कवर, और भी छोटे छोटे कपड़े भी पड़े हुए हैं, कल हम लोग चले गए ना तो कपड़े भी नहीं तय किए, कपड़े भी जो मशीन में धुले थे ना वो सब भी वैसे ही पड़े हैं, तो उन्हें भी धुलना है, उन्हें भी तय करके रखना है। अब विंटर आ गया है तो कपड़ों की तो ढेर लगी रहती है, इसमें मुझे डेली मशीन चलानी पड़ रही, वरना मैं दूसरे तीसरे दिन चलाती थी। कल मैं वहां से लेके आई थी ये 2 सेट जार कांच का, क्योंकि ना कांच का जार इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अब ये सीजन आ गया ना, तो ये गजक वगैरह का सीजन आ गया ना, तो इस उसमें रखो ना प्लास्टिक वाले उसमें डिब्बे में, तो वो सील जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए मैं ये कांच का जार लाई हूँ। दो है इसमें, ये 2 जार हैं इसमें, तो इसमें मूंगफली या गजक या कुछ ऐसा रख देंगे तो अच्छे रहेंगे, मतलब फ्रेश रहेंगे, ताजा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ छत पे, मेरी मशीन थर्ड फ्लोर पे रखी हुई है ना जिम वाले, आप सबको पता ही है, तो जा रही हूँ, उसमें कपड़े पड़े हैं वो सूखने के लिए डालूंगी और दूसरे और कपड़े उसमें डाल दूंगी। तो मैंने अपनी मशीन यहीं रखी हुई है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है मेरी, इसमें काफ़ी आराम रहता है, मतलब अगर ये थर्ड फ्लोर पे रखी है ना तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, इसमें कपड़े डाल देती हूँ आराम से, वो धुल जाते हैं, फिर मैं आती हूँ फिर छत पे आराम से डाल देती हूँ। ऑटोमेटिक है तो ये जो धुल जाता है ना तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप बंद भी हो जाती है, बंद करने की टेंशन नहीं होती है कि अभी बंद करने जाना है, अभी खंगालना है ये वो, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है।
ये पहले जो मशीन थी मेरे पास वो तो ऑटो सेमी थी, मतलब तो उसमें दो बॉक्स बने हुए थे, एक में पहले इसको हम सर्फ डाल के कपड़े धुलते थे, फिर दूसरे ड्रायर बना हुआ था उसमें डालते थे, तो वो ये पानी से वॉश करके सुखाता था, पर वो उसमें मैनुअल था, मतलब हैंड से ही करना पड़ता था बहुत कुछ। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि आप एक बार कपड़े डाल दो और इसको ऑन कर दो, फिर ये अपने आप ही धुल के, सर्फ से धुल के, फिर पानी से अच्छे से वॉश करके धुल के कपड़े को ड्राई कर देता है, और फिर इसको बस निकाल, बस ये धुलने के बाद मशीन खोल के बस इसको निकाल के रस्सी पे डूब में डालना ही होता है बस। तो इस वजह से ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गई, क्योंकि नीचे इतनी जगह होती नहीं है, कि है नहीं कि वहाँ पे मशीन रख दो, और ऊपर से फिर अगर वहाँ भी रखती ना मैं इसको धुलती, फिर मेरे को 4 मंजिल चढ़ के आओ कपड़े डालो, तो वो सब थोड़ा सा दिक्कत चीज़ हो जाती है। इसलिए इस बार मैंने फुली ऑटोमेटिकली, और फिर मैंने इसे अपने थर्ड फ्लोर पे ही रख दिया है, यहाँ से मैं इसको धुल के फिर सीधे छत पे जाती हूँ और वहीं कपड़े इसको ऐसे डाल देती हूँ। से ज़्यादा हो चुके हैं, 2:15 बज रहे हैं और ईशु को 3 बजे कोचिंग जाना है, तो जा रही हूँ, उनको स्कूल लंच वगैरह दे दूँगी, उसके बाद फिर और कोई काम होगा, एंड चीकू को भी कुछ खिला दूँ। तुम साइंटिस्ट बन गए। हाँ। ये किसकी जैकेट पहनी है? बाबा की। बाबा की? हाँ। तुम रोज एक एक नाटक करते रहते हो, देखो ये तुम्हारे पूरे पैर तक जा रहा है, तो तुम्हारा पूरा ओवरकोट बन गया चीकू। हाँ। मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ। मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, अभी ठंडा करूंगी, फिर आपको बुलाऊंगी, तो आप आ जाना फटाफट, ठीक है? जैकेट पहन के आओगे? निकालोगे नहीं इसको अब तुम? क्यों? मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ। चीकूलाल? हाँ। पीकूलाल? हाँ। तो तुम यहाँ क्यों लेटे हो फ्लोर पे? उस पे लेटे रहोगे तुम? और आपकी सैंडल कहाँ है और स्लीपर नहीं मिली? नीचे वाले रैक पे देखा है आपने? नहीं तो। देख लेना, और मुंह में मत डालो बेटा, उसमें गंदा गंदा सब लगा रहता है, ऐसे नहीं करते, मुंह में नहीं डालते, सारे जर्म्स जो उसमें लगे ना आपके मुंह से आपकी टमी में पहुंचेंगे, और फिर दर्द होगा पेट में बहुत ज्यादा, क्योंकि टमी में पहुंच के जर्म्स जो होते ना वो काटते हैं खूब तेज तेज से, फिर दर्द होगा, रोओगे तुम, है ना? तो हाँ, सुबह ब्रश कर लूंगा। ब्रश करने से सिर्फ मुंह का जम्स निकलता है, और जो टमी के अंदर जम्स पहुंच जाते हैं ना वो आपकी टमी में काटने लगते हैं, वो ब्रश करने से बाहर नहीं आते। वैसे ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, तो गंदी गंदी चीजें मुंह में डालते हो, गंदे गंदा हाथ अपने मुंह में डाल लेते हो, इसी सब चीज से तो पेन हो, ये तो मना कर रही हूँ तुम्हें कि मत डालो मुंह में, इसमें बहुत छोटे छोटे जम्स चिपके होते हैं जो हमारे मुंह में चले जाते हैं। पसीने के जम्स इस बटन इस चेन में लगा हुआ है पसीने का जम्स, वो ही तुम मुंह में डालते हो, फिर तुम्हारे मुंह से तुम्हारी टमी में पहुंच जाता है। मम्मी ओ, अभी उतारेंगे बाबा जी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी बुलाऊंगी तो आ जाना, ओके? ठीक हूँ भी ना, मैं चाय पी लेती हूँ। जैसलमेर में तनोज मार